অন্যদিকে উদয়পুর কাণ্ডে আরো দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উদয়পুরে যে নৃশংস হত্যার খবর সামনে এসেছিল সেই ঘটনায় আরো দুজন গ্রেফতার। উদয়পুর কাণ্ডের জের এই দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গোটা ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিয়েছিল এই দুই অভিযুক্ত, এমনটাই জানা যাচ্ছে, জানালেন উদয়পুর রেঞ্জের আইজি। উদয়পুরে নৃশংসভাবে খুন করা হয় দর্জি কন্হैया লালকে এবং এই ঘটনায় আরো দুজন গ্রেফতার। গোটা ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নিয়েছিল এই দুই অভিযুক্ত, জানালেন উদয়পুর রেঞ্জের আইজি। অর্থাৎ একের পর এক যে গ্রেফতারির খবর সামনে আসছে উদয়পুর কাণ্ডে, রাজস্থান পুলিশ যে তৎপর, রাজস্থান পুলিশের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ উঠছিল, এবার পুলিশ তৎপর হয়েছে এবং একের পর এক গ্রেফতারির খবর সামনে আসছে। আগেই গ্রেফতার করা হয়েছে মূল অভিযুক্তদের, এবার আরো দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। উদয়পুর কাণ্ডে আরো দুজন গ্রেফতার। গোটা ঘটনার পরিকল্পনা এবং ষড়যন্ত্র প্রস্তুতি নিয়েছিল এই দুজন, এমনটাই জানাচ্ছেন উদয়পুর রেঞ্জের আইজি। এই ঘটনায় কিন্তু আরো দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উদয়পুরে দর্জি কন্হैया লালকে যেভাবে হত্যা করা হয় এবং তার যে ভিডিও করা হয়েছিল সেই ফুটেজ প্রকাশ্যে আসার পর গোটা দেশ জুড়ে শোরগোল পড়ে যায়। এরপর নড়ে চড়ে বসে রাজস্থান পুলিশ এবং গ্রেফতার করা হয় মূল অভিযুক্তদের। এবার আরো দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানতে পারা যাচ্ছে। বিস্তারিত কথা বলবো, ফোনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি नीरज ठाकुर। नीरज, उदयपुर मामले में और दो जन की गिरफ्तारी हुई है, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? कौन है ये दोनों जन, क्या परिचय बता रही है पुलिस? जी देखिए, जिस दिन ये मर्डर हुआ था उसके अगले जब ये दो लोग मेन जो आरोपी हैं रियाज और गौस मोहम्मद ये गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद अगले दिन ही 3 लोगों को हिरासत में लिया गया था। उनमें 3 में से ये 2 लोग हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। इन दोनों लोगों को ऐसा पुलिस का मानना है कि ये दोनों लोग जो हैं पहले से कॉन्स्पिरेसी के बारे में जानते थे। इनके पास ये वीडियो पहले से रिकॉर्डेड पड़े हुए थे जो पहले रिकॉर्ड किए थे, और इन्होंने आगे वो वीडियो फॉरवर्ड भी किए थे। जब बाकी जगह जब ये वीडियो चलने शुरू हुए तो ये वीडियो इन्होंने फॉरवर्ड किए थे। तो जाहिर है कॉन्स्पिरेसी और हत्या का आरोप इन पर भी बनता है। इसी वजह से पुलिस ने पूछताछ के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया दोनों को। उनके खिलाफ भी सेम धाराएं लगाई गई हैं, और पुलिस का ये कहना है कि अभी कुछ और लोग भी उनके रडार पर हैं जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है। नीरज, ये दोनों का मेन अक्यूज के साथ क्या ताल्लुकात है, कहाँ के रहने वाले, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, ये वही उदयपुर के रहने वाले हैं और इनको पूरी कॉन्स्पिरेसी का पहले से पता था, ऐसा पुलिस का दावा है। इनके जो 2 मेन मुख्य जो आरोपी हैं उनके टेलीफोन से मिली जानकारी के मुताबिक जो इन्होंने वीडियो सेंड किए थे, तो ये वीडियो पहले ही सेंड कर दिए थे जो पहले रिकॉर्ड किए थे कि वो ऐसा करेंगे, इस तारीख को ऐसा करेंगे, और उनको यानी कि पूरी कॉन्स्पिरेसी का पता था। और उसके बाद जब उनके पास पूरा वीडियो बना, जो एडिट करके जो वीडियो बनाया गया दोनों को जोड़ के हत्या के बाद का और पहले वाला वीडियो, ये वीडियो भी इन्होंने फॉरवर्ड किया था। जाहिर है ये इसका एक षड़यंत्र का पूरा हिस्सा रहे हैं। जी शुक्रिया, कथा बोलছিলাম প্রতিনিধি नीरज ठाकुर।